दुर्गा और चारू फिर से हुए एक भोली का सच लाएंगे सबके सामने। जी हाँ, दुर्गा और चारू एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। तो एक और जहाँ दुर्गा काफ़ी इमोशनल थी, तो वहीं चारू भी इमोशनल सी नज़र आ रही थी, लेकिन अब दोनों एक साथ फिर से मिल चुके हैं। जी हाँ, ऐसा लगता है कि दुर्गा और चारू की प्रार्थना देवी माँ ने सुन ली और दोनों को फिर एक दूसरे से मिला ही दिया। पहले से में चारू जाती है दुर्गा के पास और बताती है कि मैं तब तक कोशिश करती रहूँगी जब तक कि मैं भोली या फिर झुमकी से सच निकलवा न लूँ। बल चारू कहती है कि उस दिन मेरे बापू के साथ क्या कुछ हुआ था ये सिर्फ भोली ही जानती है, और मैं जब तक अपने ऊपर लगे सारे इंजाम को मिटा ना लूँ तब तक मैं किसी के सामने नहीं आऊँगी। पहले से अब दुर्गा करने वाली है चारू की मदद सच निकलवाने में। पहले से जब दोनों एक साथ बैठकर प्लान बना रहे होते हैं भोली से सच निकलवाने की, तभी एंट्री हो जाती है झुमकी की। हालांकि झुमकी ने उन दोनों को साथ देखा या नहीं देखा यह अब तक सस्पेंस का ही मामला है। पहले से अगर झुमकी दोनों को एक साथ देख लेती है तो दुर्गा और चारू का प्लान फेल हो सकता है और चारू फिर से खतरे में आ सकती है। वैसे आप कितने एक्साइटेड है इसके अपकमिंग ट्रैक को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।